हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तन मन धन में। दोस्तों, आज मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा मेबलिन काजल के बारे में। इसमें एक है फेक और एक है रियल। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फेक और रियल कॉस्मेटिक कैसे पहचाने उसके बारे में था टॉपिक, और उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो आज मैं लेके आया हूँ ये दो प्रोडक्ट जिससे आप पता लगा पाएंगे, आपको थोड़ा आसानी होगी कि कौन सा फेक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी दोनों की सिमिलैरिटी क्या है, कैसा ये दोनों सेम लगते हैं। वैसे 99% तक दोनों सेम है, आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे भी लिखा है 24 आवर, यहाँ पे भी लिखा है। इसके अलावा विथ एलोवेरा, ये देख लीजिए, और ऊपर भी देख लीजिए न्यू और नाउ ₹180 मेबलिन न्यूयॉर्क, सेम टू सेम आपको मिलेगा। बैक साइड भी अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हॉलोमार्क से पता चल जाएगा असली और नकली का। अब इस दोनों में हॉलोमार्क है, अब बताइए आप कि इन दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है। इसके अलावा इसका जो बारकोड है वो सेम है, वेबसाइट सेम दी गई, ईमेल एड्रेस सेम दिया गया है, टोल फ्री नंबर है वो भी सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ एक दो टिप्स जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि दोनों में से असली और नकली कौन सा है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि बैक साइड जाइए, कोई भी आपको काजल लेना हो, तो ये मेरे पास है फेक वाला, ये फेक वन है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कट दिखाई नहीं देगा, जबकि ओरिजिनल वाला होता उसमें कट होता है। जैसे मैंने ये लिया तो ओरिजिनल वाले में आपको एक कट दिखाई देगा, यहाँ पर भी एक कट है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक कट यहाँ पे है ताकि ये काजल अच्छे से निकल जाए, ये कट उसी के लिए होता है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो ऊपर से फिनिशिंग है वो थोड़ा डिफरेंस लगेगी। आप ये देखो, ओरिजिनल वाला है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से है, बिल्कुल फिट है। और अगर आप लेंगे ये फेक वाला तो यहाँ पर आपको थोड़ा, यहाँ पर देख पाएंगे आप, थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं देगा। एक तो इसकी ये पकड़ हो गई, फिनिशिंग इसकी सही नहीं है। इसके अलावा पीछे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरी बातें बताई गई है, और पर एक बात यहाँ पे मिस है, ये इफ़ेक्ट की जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। इस साइड देखेंगे तो पूरा इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर आगे चलें तो ये जो मेरे पास है नकली वाला, फेक वाला, तो इसमें जो प्रिंट बताया गया है इसके प्राइस के बारे में ₹180, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है नीचे लिखा है 24 मंथ बाद ये ख़राब हो जाएगा, यूज बिफोर 24 मंथ। ये सब एक साथ ही प्रिंट किया गया है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल का देखेंगे तो ओरिजिनल वाले में ये बातें थोड़ी अलग से प्रिंट आपको दिखाई देंगी। ये देखिए आप, ये अलग प्रिंट हुआ और ये अलग हुआ। इसमें आपको बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और इसका प्राइस। इसके अलावा आपको एक दो बातें और बता देता हूँ कि ये देखिए, इसकी प्रिंटिंग डार्क है, इसकी प्रिंटिंग लाइट है, तो उससे भी आप थोड़ा पता लगा सकेंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल वाला है, यहाँ उसके ऊपर एक स्टार लगाया गया है, ये देखिए आप, स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो फेक वाला है उसमें स्टार नहीं है, ये देखो छोटा सा एक स्टार भी है। इसके अलावा अगर ये 24 ओवर देखेंगे तो फेक वाले में ये थोड़ा कम उभरा हुआ है, उतना उभार नहीं है, और अगर ओरिजिनल वाला देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा उभरा हुआ है। अगर आप इसे टच करेंगे हाथों से तभी आपको ये पता चलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने 3-4 आपको टिप्स दी हैं, उनकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में से फेक कौन सा है। अगर आपको एक भी मिल जाए तो थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी अगर आप देखेंगे एक दो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे ये मिसिंग है तो वहाँ आप अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये पकड़ में आ जाएगा। वैसे 99% तक तो ये सेम ही कॉपी बना दी गई है, कोई इसको पहचान नहीं सकता। तो ये था वीडियो आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि बाज़ार में क्या क्या ये घपलेबाजी हो रही है, कैसे हमारे इंडिया के मार्केट फेक प्रोडक्ट से भरे पड़े हैं। और जब भी लें तो मैं आपको बोलता हूँ कोई अच्छी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाके ही इन प्रोडक्ट्स को आप परचेज करें, वरना बाहर लेंगे या अगर इनका प्राइस अगर आपको कम में दे कोई भी
तो भी आप थोड़ा सचेत हो जाइए, क्या पता वो नकली हों। और कई बार इन फेक प्रोडक्ट्स के ही ओरिजिनल रेट ले लिए जाते हैं। कई बार ये 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा मार्केट में, और कई बार ऑन MRP भी आपको मिल जाता है, कई बार कोई 5-10 रुपये कम भी कर देता है। तो कुछ बोल नहीं सकते, मेरा काम था आपको इनके बारे में अवेयर करना, मैंने किया है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं।